आइए अब डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर फ्लूइड के अंदर और इसका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो समझते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि आप एक इक्वेशन को ऑप्टेन करके दिखाइए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का फॉर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड हैविंग अ स्टेडी फ्लो थ्रू अ पाइप। अच्छा, किसी भी फ्लूइड का नहीं, नॉन विस्कस और जिसका जो फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को फ्लो करा दीजिए और एक जो कंटेनर का आपने इस्तेमाल किया है आप सोच के देखिए कि इस वाले एंड को ना आप थोड़ा वाइड रखते हो और इस वाले को थोड़ा कंप्रेस कर देते हो, ठीक है, और इस तरफ से सारा फ्लूइड इधर से आप फ्लो कराने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो फ्लूइड है ना वो इस वाले हिस्से में जाएगा। ये जो आपको डार्क कलर का दिख रहा है ये दो एंड, ठीक है, इसे आप कहोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले वो फर्स्ट यानी कि ए क्रॉस सेक्शन पे जाएगा और फिर वो बी वाले क्रॉस सेक्शन पे जाएगा। जरा ए वाले क्रॉस सेक्शन की मेजरमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ से जो भी फ्लूइड बहेगा ना उसका उसकी जो वेलोसिटी है ना वो है वी वन, राइट। अच्छा, इस तरफ जो डेंसिटी है वो है रो वन, ठीक है, और जो इसका एरिया है उस एरिया को आप मान लो ए वन, ठीक है। तो इस वाले एंड पे होने वाली सारी घटनाओं के मेजरमेंट को जरा एक एक करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू अगर लिखने की कोशिश करें तो एरिया होगा यहाँ पे ए वन, ठीक है। एक बार इसके साइज को थोड़ा डिक्रीज करते हैं, फाइन। तो यहाँ पे अगर आप लिखो एरिया है यहाँ पे ए वन, ठीक है, वेलोसिटी है यहाँ पे वी वन और डेंसिटी है यहाँ पे रो वन, कहाँ पे, यहाँ पे। और इस जगह पे अगर आप मेजर करोगे सब कुछ तो यहाँ पे एरिया होगा यहाँ का ए टू, यहाँ का वेलोसिटी है जो फ्लूइड फ्लो करेगा वी टू से और यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगा रो टू। समझ गए इस बात को। चलिए अब मान लीजिए कि जो फ्लूइड है यहाँ से फ्लो करते करते आगे जा रहा है तो इस वाले हिस्से पे कितना मास फ्लूइड का, कितना मास जो है इस वाले हिस्से में फ्लो करेगा, जरा इस वाले के मास को निकालते हैं। तो मास का जो फॉर्मूला निकल के आता है डेंसिटी के टर्म्स में वो निकल के आता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या फिर आप सबको पता होगा डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर आप मास निकालोगे तो वो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। अब मास को आप ऐसे रहने दो, वॉल्यूम की जगह आप एक चीज़ लिख लो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। डेंसिटी अपनी जगह डी रहने दो आप, ठीक है। अब आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो एरिया बन जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे एरिया लिख लो और हाइट की जगह आप लेंथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट एक तरह से ऊंचाई, एक तरह से लंबाई, बात एक ही है। और डेंसिटी की जगह आप लिख लो रो वन, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया रो वन। ये सारी कैलकुलेशन हम क्रॉस सेक्शन ए के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो आप इस बात को समझ गए। अब इस जगह से जो भी फ्लूइड गुजरेगा थोड़ा वक्त लगाएगा, तो हम मान के चलते हैं कि थोड़े से टाइम में यहाँ से कितना फ्लूइड फ्लो करता है पर यूनिट टाइम जो है, जितना भी फ्लूइड फ्लो करता है, आई अगेन रिपीट, पर यूनिट टाइम जितना भी फ्लूइड फ्लो करता है उसका मास क्या है इस वक्त, ठीक है। तो मास ऑफ लिक्विड दैट फ्लोस थ्रू सेक्शन ए इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में यहां से जो भी फ्लूइड फ्लो किया उसका मास, उसका मास, ठीक है। तो आप एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो। चलिए यार डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डेल्टा टी से हम यहां पे इसको डिवाइड करा देते हैं। अब अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको एक बात समझ आ जाएगी कि लेंथ अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी, लेंथ अपॉन में टाइम पीरियड होता है वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो लेंथ एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन वेलोसिटी बनता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं जरा। तो यहाँ पे आपका एरिया अपनी जगह पर रहेगा, लेंथ अपॉन में टाइम टेकन बन गया वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो एरिया की जगह आप लिख लोगे ए वन, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लोगे ए वन, तो यहाँ पे आप ए वन कर लो और ये सब स्मॉल में था ना, तो आप यहाँ पे स्मॉल में कर लो। तो इसको लिखो यहाँ पे एरिया ए वन मल्टीप्लाई बाई बाकी चीज़ें अपनी जगह पे एज इट इज रहेंगी इज इक्वल टू वापस से ए वन लेंथ अपॉन में टाइम पीरियड, याद कीजिए लेंथ अपॉन में टाइम पीरियड बन गया आपका वेलोसिटी, रो यानी कि डेंसिटी अपनी जगह पे, ये वाली डेंसिटी जो है ये वाली अपनी जगह पे एज इट इज़, और ये वाला टाइम पीरियड अपनी जगह पे आ जाएगा वापस, ठीक है, ओके। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि इसको इससे काट क्यों नहीं लेते, जब काटना ही था तो मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, है ना। चलो तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई ये इस वाले क्रॉस सेक्शन की निकल के आई है। अगर आप इस वाले क्रॉस सेक्शन की निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, सेम कुछ कुछ चेंजेज हो जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे एरिया हो जाएगा ए टू, वेलोसिटी हो जाएगा वी टू, डेंसिटी हो जाएगा रो टू और टाइम पीरियड तो अपनी जगह पे यही रहेगा डेल्टा टी, ठीक है। तो चलिए अब हमको पता है कि मास जो है वो तो चेंज नहीं होगा, मास किसी का चेंज नहीं होता, मास जितना यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही यहाँ से फ्लो करेगा। तो अगर मैं ये सारी हमने मास ही तो निकाली है, अगर आप नोट करो ध्यान से, ये मास है एम वन और ये मास है M2, ठीक है, और मास हमें पता है कभी चेंज नहीं होता, मास M1 और M2 जो है वो दोनों जगह पे बराबर रहेंगे। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने ये पीछे वैल्यूज निकाली है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, M1 इज इक्वल टू A1 V1 डेल्टा T रो 1, M2 इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा T रो 2, दोनों मास को जरा इक्वेट कराओ,
क्योंकि ये हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हो बहुत आसानी से। जब कराओगे ऐसा कुछ तो जो आपके राइट हैंड साइड में वैल्यूज है वो कंपेयर हो जाएंगी। आप यहाँ पे राइट हैंड में जितने वैल्यूज है आप कंपेयर कीजिए, और आपको पता है कि फ्लूड जो है इनकम्प्रेसेबल है। अगर फ्लूड इनकम्प्रेसेबल होता है तो उनकी डेंसिटी सेम हो जाती है, तो यहाँ पे हम डेंसिटीज को भी सेम मान लेंगे, यानी कि रोह वन और रोह टू आपस में सेम हो गए। अब सेम चीज़ें तो कट जाती हैं तो इनको काट डालो, ठीक है। अब देखो आगे होगा क्या, टाइम पीरियड जो है उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, दोनों सेम टाइम में फ्लो कर रहे हैं और टाइम भी सेम ही है, तो दोनों टाइम को भी काट डालो। तो इस तरह बचेगा ए वन वी वन, इस तरह बचेगा ए टू वी टू, ठीक है। अगर आप एरिया को और वेलोसिटी को कांस्टेंट टर्म मान लो, क्यों कांस्टेंट टर्म मान लो, आप सोच के देखो ये एरिया कभी बदलेगा, जो एक बार फिक्स कर दिया सो फिक्स है, जो यहाँ का एरिया फिक्स कर दिया सो फिक्स है। सिमिलरली जिस वेलोसिटी से एक बार ये ट्रेवल कर रहे हैं इधर फ्लूड, वही वेलोसिटी उसकी फिक्स रहने वाली है। तो अगर एरिया और वेलोसिटी फिक्स है तो कांस्टेंट मान लो, तो आपने यहाँ पे इसको कांस्टेंट कर दिया। वेल यही होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या कहा जाता है ऑन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, स्टेट दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइंड फ्लो, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया था कि फ्लो जो होना चाहिए वो स्टेडी होना चाहिए, और स्टेडी फ्लो कहाँ होता है, स्ट्रीमलाइन में, ऑफ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। हमारा जो पाइप है ना इसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, यहाँ पे थिक यहाँ पे थिन, ठीक है। तो अगर ऐसे पाइप से अगर आप एक स्ट्रीमलाइन फ्लो को गुजारते हो तो कहा यह जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नॉर्मल फ्लूइड रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। पाइप के किसी भी हिस्से से आप पानी गुजारो या कोई फ्लूइड गुजारो, उसका जो फ्लो है वो कांस्टेंट है। ये नहीं कि यहाँ पे फ्लो कुछ और होगा और यहाँ पे फ्लो कुछ और होगा। अगर फ्लो कांस्टेंट है दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में आपने एक्सप्रेस करके ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लिया।